The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar dosto, फिर एक बार आपका स्वागत है. हम बातचीत कर रहे हैं, आज बातचीत करेंगे साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम और इम्यूनो सप्रेशन का, जो कि कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म माना जा रहा है कि नया नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 की जो बीमारी है वो इस कारणवश साइटोकाइन स्टॉर्म इम्यूनो सप्रेशन के वजह से भी कई लोगों की जान ले रही है. साथ ही और बहुत सारे थेरीज आ रहे हैं जिनमें कई सारे, जैसे हमने आयरन डिसोसिएशन वाला बताया था आपको, वो भी कॉन्सेप्ट वैलिड है और ये भी कॉन्सेप्ट वैलिड है. कई बार दोनों एक साथ हो रहा है, कई बार एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा. सो इसका क्या मतलब है? देखिए, आज तक जितने सारे लोग वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए हैं उसमें अगर हम मॉर्टेलिटी रेट देखें तो 1-3% की ओवरऑल मॉर्टेलिटी है, 1-3%. और अगर हम इन्फ्लुएंजा की मॉर्टेलिटी देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा की मॉर्टेलिटी 1% से भी कम है, 0.1% तक आती है फ्लू वायरस की. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीमारी है आज जो है ये 100 गुना बड़ी है, 100 गुना तेज़ है एक नॉर्मल फ्लू वायरस से, 100 गुना से ज़्यादा. तो मतलब आपको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में कई सारे एंटीवायरल्स, कई सारे वैक्सीन्स अभी डेवलपमेंट में है, उसके स्टडीज़ चल रही हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि ये चीज़ के मैकेनिज़म को समझें कि ये क्यों हो रहा है और किस कारणवश ऐसा हो के अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो जब तक हम इसके तरीके को नहीं समझेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करता है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे इसका मुकाबला. सो बात करते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम की. सो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपके शरीर में जहाँ पर एक नॉर्मल इन्फ्लामेशन होना चाहिए, नॉर्मल होम्योस्टेसिस होना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इस वायरस के आने के बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसे केमिकल निकलते हैं वायरसेस के और ऐसे वायरसेस आपके खुद के जो इम्यून सेल्स है उनको अटैक कर लेता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स मिसकम्युनिकेशन करके हाइपर इन्फ्लामेशन करने लगते हैं. हाइपर इन्फ्लामेशन, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन होना, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना. जैसे एक घर घर की फाइट में अगर कहीं कोई मोहल्ले की फाइट है उसमें पुलिस वाले आके लाठी चार्ज करने लग जाए या गोलियां चलाने लग जाए, इस तरह की बात हो जाएगी. यानी आप ही के सुरक्षा करने वाले लोग हाइपर इन्फ्लामेशन करने लग गए. सो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हाइपर इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट किया जाए, जिससे कि पता चलेगा कहाँ पर आपकी जान जाने का खतरा ज़्यादा है, कहाँ पर नहीं. इसी को हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं. सो इसी करंट मैनेजमेंट प्लान जो चल रहा है COVID-19 का, वो नॉर्मली तो सपोर्टिव है. रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और जो मॉर्टेलिटी हो रही है उसमें जितना सपोर्टिव ऑक्सीजन, फ्लूइड मैनेजमेंट, एम्पेरिकल माइक्रोबियल थेरेपी, इसके अलावा असिस्टेड वेंटिलेशन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन, या फिर कभी कभार हो सकता है कुछ नए ट्रीटमेंट्स ट्राई किए जाएँ, ये सारा ट्रीटमेंट्स ट्राई हो रहा है. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो आ रही है सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं कौन डिटरमाइन करेगा ये साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ नहीं हुआ. तो इसमें एक HSHLH नाम की चीज़ आ गई है, इसको कहते हैं सेकेंडरी, यानी एक किसी चीज़ के वजह से हुई है. यहाँ पर ये कोरोना वायरस के वजह से सेकेंडरी हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस. इसका मतलब क्या? हीमोफैगोसाइटिक मतलब आपके खून के सेल्स को खाने वाले लिम्फोहिस्टियोसाइट्स, यानी आप ही के खुद के ऐसे सेल्स जो आपकी प्रोटेक्शन करते थे, वो अब आप ही के खून के सेल को हीमोफैगोसाइट्स यानी आप ही के सेल्स को खाने लगेंगे. और ये नंबर बढ़ने लग रहा है इनका एक पर्टिकुलर कारण से, सेकेंडरी कारण से, यानी इस कोरोना वायरस COVID-19 इन्फेक्शन से. यहाँ पर ये अंडर रिकग्नाइज्ड, मतलब ये इतना ज़्यादा अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है. इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, राइट? इसमें क्या हो रहा है? इसमें इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ फुलमिनेंट एंड अ फेटल हाइपर साइटोकिनीमिया. हाइपर साइटोकिनीमिया यानी आपके शरीर में जितने साइटोकाइंस हैं, साइटोकाइंस जो भी आपके इन्फ्लामेशन करते हैं वो सारे साइटोकाइंस,
राइट, साइटोकाइंस एक ग्रुप है जो छोटे छोटे प्रोटीन है जो आपके सेल सिक्रीट करते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. और साइटोकाइंस ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, रिसेप्टर्स पे बाइंड करके वेरियस करते हैं. इसमें इंटरफेरॉन्स आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं, वायरस को मार सकते हैं इंटरफेरॉन्स, एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट है, कैंसर को रोक सकते हैं. इंटरल्यूकिंस आते हैं जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, आपके ब्लड के सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं इंटरल्यूकिंस. कीमोकाइंस है, कीमोकाइंस मतलब कीमोटैक्सिस करते हैं, यानी जो सेल्स बन रहे हैं उनको वहाँ बुलाने वाला काम करते हैं कि यहाँ आओ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ आओ यहाँ पे गड़बड़ है. और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, मतलब हीमोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स का प्रोलिफरेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, मतलब ऐसे सेल्स बनाना जो दूसरे ब्लड के सेल्स ऐसे के सेल्स बनाए, वो ज़्यादा बनने लग जाना, मतलब कि अपना ब्लड के सेल्स भी बनने लग जा रहे हैं, उनको वहाँ बुलाने के लिए कीमोकाइंस है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डिफरेंशिएशन के लिए इंटरल्यूकिन है, इन्फ्लामेशन बढ़ाने के लिए इंटरल्यूकिन है, और वायरस को मारने के लिए इंटरफेरॉन है, इम्यूनिटी के लिए इंटरफेरॉन है. और ट्यूमर एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ट्यूमर नेक्रोसिस मतलब खुद ही ऐसे सेल्स को डिटेक्ट करे जो इन्फेक्ट हो गए वो मर जाए. साइटोकाइटिक टी लिम्फोसाइट्स प्रो इन्फ्लामेटरी ये भी होते हैं. सो इतने सारे आपके शरीर में साइटोकाइंस हैं. अगर ये साइटोकाइंस बहुत ही अति मात्रा में आ जाए, हाइपर साइटोकाइनीमिया हो जाए, तो आपके शरीर में हर एक जगह पे जहाँ लंग पे डिफेक्ट हो रहा है वहाँ पे जाने की जगह पूरे शरीर के ऑर्गन्स में अटैक हो जाएगा, पूरे शरीर में मल्टी ऑर्गन फेलियर आने लगेगा. एडल्ट्स में इसको हम सेकेंडरी हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस हाइपर इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम को SHLH कह सकते हैं. SHLH मोस्ट कॉमनली ट्रिगर हो रहा है इस वायरल इन्फेक्शन में, जो हर केसेस में नहीं हो रहा है. ये 3.7 से लेके 4.3% केसेस में हो रहा है जिनको सेप्सिस हो रहा है. याद रखिए, हर केस में नहीं हो रहा है, ये एक अंदाजे में 3 से 4.5% लोगों में हो रहा है. कार्डिनल फीचर क्या है इसके, अगर ऐसा होता है तो सिम्टम क्या आएंगे? अनरिमिटिंग फीवर, यानी फीवर ठीक ही नहीं हो रहा, फीवर कम ही नहीं हो रहा, कुछ कर लो आप, अनरिमिटिंग फीवर. साइटोपीनिया मतलब शरीर में जो सेल्स है, ब्लड सेल्स हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोस जो न्यूट्रोफिल सब बहुत सारे कम हो गए हैं. हाइपर फेरेटिनीमिया मतलब सीरम फेरेटिन लेवल्स जो हैं, सीरम फेरेटिन, आयरन फेरेटिन वाला लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है. हाइपर फेरेटिनीमिया ये बताता है कि आपके सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं और छोटे छोटे सेल टूट रहे हैं, हाइपर फेरेटिनीमिया. पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट मतलब लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ARDS जैसी पिक्चर हो रही है. 50% केसेस में ये होता ही होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, ARDS होता ही होता है. ये साइटोकाइन प्रोफाइल जो इस प्रकार की साइटोकाइन स्टॉर्म से एसोसिएटेड है, ये कोविड डिजीज की सीवियरिटी में, इसमें जो मेन साइटोकाइंस है मैं आपको बता चुका हूँ, IL-7, Interleukin-2, Interleukin-7, ग्रेनोसाइट और बहुत सारे ऐसे नाम दिए हुए हैं, इंटरफेरॉन, मोनोसाइट, कीमो अट्रैक्टिंग फैक्टर, माइक्रोफेज इन्फ्लामेटरी प्रोटीन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाम का मतलब नहीं है, बेसिक का मतलब है. सो इसमें कौन प्रिडिक्ट करेगा कि पेशेंट बचेगा कि मरेगा? प्रिडिक्टर ऑफ फेटालिटी जो रेट्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंट्रिक स्टडी जिसमें 150 पेशेंट्स की स्टडी हुई थी चाइना वुहान में, उसमें बताया गया था कि अगर आपका पेशेंट का फेरेटिन लेवल, अगर सीरम फेरेटिन लेवल एलिवेटेड है मतलब 1297 नैनोग्राम पर ml नॉन सर्वाइवल में देखा गया था, इतना हाई माना 1200 के आसपास, और जो सर्वाइव हो रहे हैं वो 600 के आसपास उनका फेरेटिन लेवल था जहां पर ये था, याद रखिए. और फेरेटिन लेवल के साथ इंटरल्यूकिन 6 भी देखा जाता है, यानी आपका फेरेटिन लेवल बढ़ेगा, आपका इंटरल्यूकिन 6 लेवल बढ़ेगा, जो बताएगा कि अगर आपके इसमें बढ़ा हुआ है तो आपकी मॉर्टेलिटी यानी आपके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे हाइपर इन्फ्लामेशन की वजह से. सो बहुत ही जोरदार तरीके से इसको समझाया है हमने. सो ये एक पहले हुए बहुत बहुत सारे पैंडेमिक्स ऐसे पहले हुए हैं, जो सार्स हुआ है, मर्ज हुआ है, उसमें भी ऐसा हाइपर इन्फ्लामेशन, उसमें भी ऐसा इम्यूनो सप्रेशन होता था, क्योंकि ये मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी बहुत बड़ी हो रही है और खुद की उसको प्रोटेक्ट करने वाली इम्यूनिटी, इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, राइट. तो ये चीज़ है, लेकिन इसमें
अब इसको यानी इम्यूनिटी हाइपर इन्फ्लेट हो रही है, हाइपर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं उस समय काम कर सकती है। अगर ये डिटेक्ट हो गया कि हाँ फेरेटिन लेवल बड़ा है, इंटरल्यूकिन लेवल बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तब कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं जो नॉर्मली नहीं दिए जाते। नॉर्मली स्टीरॉइड्स नहीं दिए जाते, लेकिन तब स्टीरॉइड दे सकते हैं। उसमें ये उम्मीद से दिया जाता है, स्टीरॉइड्स या इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि ये चीज़ थोड़ी शांत हो जाए और पेशेंट के अंदर खुद की इम्यूनिटी की वजह से नुकसान हो रहा है वो ना हो पाए। इसके रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी चल रहे हैं जिसमें IL-1 इंटरल्यूकिन 1 ब्लॉकेज करने वाली दवाई जिसका नाम है एना किनरा, वो भी ट्राई की जा रही है। स्टीरॉयड कॉर्टिको स्टीरॉयड दिए जाते हैं इसमें। इस एनाकिनरा ने सिग्निफिकेंट सर्वाइवल बेनिफिट दिखाया है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी हम डिटेक्ट कर गए कि भाई हाइपर इन्फ्लामेशन हो रहा है, साइटोकाइन सिंड्रोम आ गया है, राइट। सो इसमें स्टडीज चल रही है अभी फिलहाल। ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट उसी लोगों में है जिनमें निमोनिया, COVID-19 निमोनिया प्लस एलिवेटेड IL-6 है। ये चाइना में अप्रूव्ड है, इंडिया में या किसी और जगह पे ये फिलहाल अप्रूव्ड नहीं है। आगे चल के अप्रूव्ड होगा तो कह नहीं सकते, मगर आपको नॉलेज होना चाहिए भाई क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि पेशेंट्स में हाइपर इन्फ्लामेशन होगा, साइटोकाइन सिंड्रोम होगा, जिसको डिटेक्ट करने के लिए सीरम फेरेटिन लेवल्स आपके, इसके साथ प्लेटलेट काउंट्स देखे जा सकते हैं, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो भी आपका होगा देखा जाएगा, और जो एक स्कोर आता है जो HS स्कोर होता है, HS स्कोर फॉर सेकेंडरी HLH दिया हुआ है, वो स्कोर के हिसाब से वो देखा जाता है। और फिर आपको साइटोकाइन ब्लॉकेज के लिए एनाकिनरा या एक और दवाई आती है टॉक्सिलीजुमैब, ये भी दी जा सकती हैं। तो ये नई नई दवाइयां हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जा सकते हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, शांत करते हैं। सो इससे उम्मीद ये की जाती है कि उन जो लोग के बचने के चांसेस अब बहुत कम है, उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो दिस इज देयर, ये सारी चीज़ें आपको कई सारी जगहों पे, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन हॉस्पिटल्स, उसमें बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर में ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आगे चल के ऐसे पेशेंट जो सीरियस हो जा रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागेगी। आई होप आपको समझ आया हो, जो नहीं समझ आया है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो समझ जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले कि कौन से टेस्ट होते हैं और कौन सी दवाएं हैं जिनका नाम है, ताकि उनकी जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से बच पाएँ। थैंक यू सो मच, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।